एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है कि हमें सेट ए दिया है x, y, z, हमें सेट ए दिया हुआ है, सेट ए कितना दिया है x, y, z, ठीक है, और हमें सेट बी दिया हुआ है, सेट बी कितना दिया है दैट इज 1, 2। तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इस पर जंप किए होंगे, तो उनको थोड़ा अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से लिखोगे, लेट अस सपोज क्या करो कि एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अगर आपके पास पी है, कोई भी नंबर होगा यार, 1, 2, 3, 4, वही हमने पी सपोज कर लिया, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर आपके पास क्यू है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना होता है ए क्रॉस बी में, वो होता है आपका पी इंटू क्यू। क्या होता है, पी इंटू क्यू, दैट इज इसमें दो है, इसमें दो है, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा पी इंटू क्यू, मतलब 2 × 2, दैट इज 4 एलिमेंट होगा, है ना। उसी टाइप से आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछा है तो उसका फॉर्मूला है 2 to the power पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। तो अगर आपके पास ए क्रॉस बी आपके पास एलिमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, उसके एलिमेंट का 2 to the power कर दो, या फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका मल्टीप्लाई करके उसका पावर बना दो। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दिया है दैट इज 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दिया है दैट इज 2। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, किसका रिलेशन सर, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए का किसके साथ, बी के साथ, तो कितना होगा 2 to the power 3 × 2, यही ना होगा 2 to the power पी इंटू क्यू, तो पी कितना है दैट इज 3, और क्यू कितना है दैट इज 2, तो हमारे पास क्या हो गया 2 to the power 6, और 2 to the power 6 कितना होगा, अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या 2 to the power 6 कितना होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, कितना होता है 64, यानी कि टोटल 64 नंबर ऑफ रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कभी आपसे कोई रिलेशन पूछ लेगा या तो ऐसे देकर या फिर ऐसे देकर आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर नए कॉन्सेप्ट के साथ।